हरियाणा के टोहाना में तीन अलग अलग जगहों से हीरोइन और स्मैक तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है, जिनमें भारी मात्रा में पुलिस ने हीरोइन के साथ साथ अन्य मादक पदार्थ और नकदी बरामद किए हैं। तस्करों के कब्जे से लाखों रुपए की 148 ग्राम स्मैक, 16 ग्राम हीरोइन व हजारों की नकदी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी जींद का रहने वाला है, जिसकी पत्नी और भाभी भी स्मैक तस्करी में शामिल बताई जा रही है। हमारा उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार हमारी एक नशे को लगाम लगाने के लिए एक मुहिम चल रही है, जिसमें हमारी टोहाना की टीम ने बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की है। इसमें अलग अलग तीन जगहों से जो नशे के तस्कर है उनको नशे के सामान के साथ काबू किया है। वहीं दूसरे मामले में CIA पुलिस की टीम ने किला मोहल्ला में छापेमारी कर एक आरोपी को 60 ग्राम स्मैक सहित पकड़ा, जिसकी पहचान राज उर्फ राजू के रूप में हुई है। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट से मांग की। गिरफ्तार आरोपियों के पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि इनका सरगना कौन है। ये हमारी टोहाना पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है, और जिस तरीके से हमारी मुहिम चल रही है, हमारा यही लक्ष्य है कि हमें यहाँ पर जो भी नशा बेचने वाले हैं, नशा तस्कर है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उन पर अंकुश लगाकर उनके खिलाफ अच्छी कार्रवाई की जाए। अलग अलग NDPS की धाराएं लगाई हैं, जैसे हीरोइन वाले में 21B 6185 NDPS एक्ट है, और जो स्मैक वाली है उसमें अंडर सेक्शन 21C 6185 NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सभी जो मुलजिम हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस इसी तरह से अपराध पर लगाम लगाएगी तो जल्द ही प्रदेश से आरोपियों का सफाया हो जाएगा। टोहाना से सुशील सिंगला, फोकस हरियाणा।